धरा का भूषण है, दूर करे प्रदूषण है। नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के तेजली स्टेडियम से। और आप सभी को जानकारी दे दें कि विश्व पर्यावरण दिवस पे पर्यावरण मित्र फाउंडेशन की तरफ से एक विशेष गोष्ठी का आयोजन किया गया और सम्मान दिवस का आयोजन किया। आप सभी को जानकारी दे दें कि किस तरीके से पेड़ हमारे जीवन के आधार है और पेड़ हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग अदा करते हैं, क्योंकि अगर पेड़ ना हो और पेड़ की असली कीमत हमें कोरोना काल में देखने को मिली, जब लोग दर दर भटक रहे थे, लेकिन उसके बाद किस तरीके से ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था और ऑक्सीजन के साथ साथ तमाम वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गई थी। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपको लेकर चलते हैं कार्यक्रम की ओर, जहाँ पर सबसे पहले जो है तमाम पत्रकारों के द्वारा, तमाम संगठन के पदाधिकारियों के द्वारा, तमाम गोताखोरों के द्वारा जो है पेड़ लगाया गया, उसके बाद जो है संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पर्यावृद्ध लोगों ने जो है पर्यावरण के बारे में जानकारी दी। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मौके पर जो लोग हैं, जो गोताखोर की टीम है, जो तमाम संगठन के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो जो हैं पेड़ लगाते हुए नज़र आते हैं। आज इस मौके पर लगभग 101 वृक्ष जो है तेजली परिसर में लगाए गए। मौके पर जो है फाउंडेशन के अध्यक्ष चिराग सिंघल मौजूद थे, साथ ही साथ गोताखोरों की टीम, यमुनानगर से राजीव गोताखोर, उनके गुरु और तमाम लोग मौजूद थे जिनकी तरफ से जो है ये पेड़ लगाए गए। मौके पर जो है पर्यावरण प्रेमियों ने संगोष्ठी का आयोजन किया। HDFC बैंक के मैनेजर भी मौजूद थे और संस्था के तमाम पदाधिकारी, अमर गोताखोर भी मौजूद थे। कहीं ना कहीं आप सभी को जानकारी दे दें कि पेड़ हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण होता है और पेड़ हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होता है। पत्रकारों दोनों द्वारा भी जो है पेड़ लगाया गया और पेड़ लगाने का कार्य किया गया। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। मौके पर जो है चिराग सिंघल के द्वारा भी जो है पेड़ लगाने का कार्यक्रम किया गया। मौके पर जो है तमाम लोग मौजूद थे। लगभग तेजली परिसर में 101 पेड़ लगाए गए। इससे पहले भी संस्था के द्वारा यहां पर पेड़ लगाए गए और पेड़ लगाने के बाद संस्था के लोग, पदाधिकारी मौजूद थे जिन्होंने जो है पहले भी यहाँ पर वृक्ष लगाए और आज वो फलदार पौधे लगाए थे जो आज फलदार वृक्षों में होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो बेहद ही खुशी का ये पल होता है जब इस प्रकार की कोई भी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। और आज यमुनानगर में विश्व पर्यावरण को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि पर्यावरण मित्र फाउंडेशन के अध्यक्ष चिराग सिंघल और उनके पदाधिकारी मौजूद हैं। बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस हर बार की भांति इस वर्ष भी मनाया गया, क्या कुछ खास है उनसे बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? चिराग सिंघल। चिराग जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है पेड़ों का महत्व हमने कोरोना में सबसे ज्यादा समझा और उसके बाद आज जो विश्व पर्यावरण दिवस, उसके विश्व में क्या कुछ कार्यक्रम हैं जो आपके द्वारा किए जाएंगे और क्या कुछ पेड़ के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा? देखिए, कोरोना में सब लोगों को ये तो समझ में आ ही गया था कि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पेड़ हैं वो पीपल, वड, नीम, ये पेड़ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पेड़ों की कोई महत्ता कम है। और जैसे कि आज हम यहाँ तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पेड़ लगा रहे हैं, उसका पहले कारण ये है कि यहाँ पर बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो रोज़ाना वर्कआउट करते हैं और ताज़ी हवा उनको चाहिए। उसके साथ साथ उनको कुछ फल भी चाहिए डेली खाने के लिए। तो हमने यहाँ पे पहले भी, 3 साल पहले भी पेड़ लगाए थे, पिछले वर्ष भी लगाए थे और इस वर्ष भी हमने 101 पेड़ यहाँ पे लगाए हैं जो कि मैक्सिमम फ्रूट्स प्लांट्स हैं। और आप देख सकते हैं कुछ पेड़ों पे जो 3 साल पहले लगे थे उन पे फ्रूट्स भी आ चुके हैं। तो हमारा प्रयास यही है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पेड़ लगाएं ताकि खिलाड़ियों को अच्छी हवा के साथ साथ फ्रूट्स भी मिल सके। सर, पेड़ लगाना ही नहीं बल्कि उनकी रक्षा करना भी, उनको पालन पोषण करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई लोग पेड़ लगा देते हैं लेकिन पालन पोषण नहीं करते, देख रेख नहीं करते। देखिए, इसीलिए हम लोग जो पेड़ लगाते हैं हम बाउंड्री के अंदर लगाते हैं जी, और हम संस्था को साथ लेके लगाते हैं जी। जैसे यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की पूरी टीम है जी, राजेंद्र गुप्ता जी यहाँ पे DSO हैं, उनसे पूरी विचार विमर्श करके ही पेड़ लगाए जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर 3 साल पुराने पिछले वर्ष वाले पेड़ चल रहे हैं तो उसका कारण यही है कि यहाँ पे प्रॉपर उनका देख रेख किया जाता है। और ऐसे सड़कों पे पेड़ लगाने से या कहीं भी पेड़ लगाने से कोई बेनिफिट नहीं है। हमें पेड़ लगाने ही वहाँ चाहिए जहाँ उनका संरक्षण हो सके, जहाँ पेड़ बड़े हो सके। अन्यथा तो नर्सरी में ठीक है, कोई लेके जाएगा अपने घर में लगाएगा, बचेंगे तो जी। ऐसे लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है। चिराग जी, कितनी खुशी होती है जब पेड़ है, बड़ा होता है, बच्चे की तरह बड़ा होता है, फल आते हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो किया है नेक काम किया और आज वो फलदायी वृक्ष बन गया जी। देखिए, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन मिलती है। जैसे बच्चे जब बड़े होते हैं,
क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, तो जो खुशी उस समय मिलती है वैसी ही खुशी हमें तब मिलती है जब पेड़ों पे हम फल लगे देखते हैं, जब पेड़ों को बड़ा होते हुए देखते हैं, तो हमें भी उस हिसाब से खुशी मिलती है। इसीलिए हमारी पूरी टीम ये मेहनत करती है। आज कोई संकल्प है इस तरह का कोई लिया जी? देखिए, हमारा संकल्प तो शुरू से ही चलता आ रहा है कि हमने अपने शहर यमुनानगर को प्रदूषण मुक्त करना है। इसीलिए हमने एक और टीम का गठन भी किया हुआ है, जनता की आवाज़, जिसमें लगातार पोल्यूशन का, प्रदूषण का और जो करप्शन है उसका मुद्दा हम उठा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना पैसा आ रहा है सरकार की तरफ से, उसका अगर सदुपयोग हो जाए तो हमें नहीं लगता कि हमारे शहर में कहीं गड्ढे होंगे या हमारे शहर में कहीं पर्यावरण की कोई समस्या आने वाली है। सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो सकती हैं, आने वाला भविष्य वो एक अच्छी स्वस्थ हवा में सांस ले सके, तो उसके लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे, ताकि आज से 20 साल बाद आपको भी नज़र आए कि कुछ अच्छा हुआ है शहर में। राजीव गोताखोर, मेरी प्राइवेट टीम यमुनानगर से है, लगातार 25 से 30 साल पुरानी टीम है हमारी। हमारे सुखराम जी की, हमारे उस्ताद जी हैं ये, हमें किसी संस्था ने बुलाया था, उन्होंने बुला के हमें सम्मानित करा जी। तो राजीव, जिस तरह से आप भी है जो है समाज के काम करते हैं और पेड़ भी जो है निकल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि हमारे सामाजिक कार्य? हमारे से पेड़ लगवाए, वो कह रहे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, उसके बाद पेड़ बड़े होंगे, हमें भी ऑक्सीजन मिलेगी जी। खुशी होती है, खुशी है जी, बहुत ज़्यादा खुशी, बहुत खुशी हुई जी। उन्हें सम्मानित करा, हमारे उस्ताद जी को भी करा, हमें भी करा, बहुत खुशी हुई हमें जी। मौके पर सब लोगों को सम्मान चिन्ह देकर जो है सम्मानित भी किया गया। पर्यावरण फाउंडेशन की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें जो है तमाम लोग मौजूद थे। शिव शक्ति कावड़ लंगर सेवा समिति के लोग, HDFC के पदाधिकारी मौजूद थे, और जिस तरीके से गोताखोरों का भी सम्मान किया गया, क्योंकि चिराग सिंघल ने कहा कि गोताखोर हैं जो पेड़ों के साथ बड़े जुड़े होते हैं, नदियों के साथ बड़े जुड़े होते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तो इनका भी जो है सम्मान बेहद ज़रूरी है। जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर ज़रूर कीजिएगा। संस्था के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद थे, और मौके पर जो है इंटरनेशनल खिलाड़ी दिव्यंका चौधरी भी मौजूद रही, और काफ़ी जो है अवार्ड जीत चुकी हैं, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करती हैं और काफ़ी अवार्ड्स से नवाजी हैं। जो भी इस वीडियो देख पा रहा है शेयर जरूर करते रहिएगा। तो अब मुझसे इनको दे दीजिए इजाज़त, तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए IBN24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।